हमको अगर कोई इंजीनियर मानता है तो आज हमारे साथ जो है वो एक्चुअल जो हम लोग इंजीनियर जानते थे इतना दिन 80s के जमाने के सर एक्चुअल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर। और नॉर्मल कस्टमर के साथ काम करना या कुछ भी समझाना और एक ओरिजिनल इंजीनियर के साथ, मैकेनिकल इंजीनियर के साथ बैठ के उनका गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम सही करना, तो इनमें दो अलग अलग फील होता है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सर के साथ वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं इन्होंने तो बोल दिया, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी से पास किया है। तो मेरा गाड़ी में हमको कुछ प्रॉब्लम महसूस हुआ, जो प्रॉब्लम पहले नहीं था। मेरा गाड़ी हम किसी वर्कशॉप में भेजा था। क्या प्रॉब्लम था? मेरा फर्स्ट गियर में ये धक्का लगता था, मतलब जैसे कि जर्किंग जर्किंग होता था। जो जर्किंग जर्किंग से मेरा बहुत प्रॉब्लम आता था, इसका एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम होता था, एक्सेलरेशन देरी में होता था, ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता था, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता था, सेकेंड गियर में गाड़ी स्टॉप हो जाता था, फर्स्ट गियर में भी स्टॉप हो जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थे। तो हमारा गाड़ी का वो लोग स्पार्क प्लग्स चेंज कर दिया, अब सर इग्निशन वो कॉइल सर चेंज कर जो दिया सर कोई भी अगर कुछ बोला था। तो वहाँ पे हमको बोला कि आपका इंजन को बनाना पड़ेगा, इंजन पूरा नष्ट हो गया, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हो गया, वो स्पार्क प्लग में तेल आ रहा है, कार्बोनाइजेशन हो रहा है, ये सब बोला। सर अभी तो आप गाड़ी चलाए हैं। अभी हम आज आया उनके साथ भेंट करने के लिए, 3-4 रोज बाद मेरा कुछ प्रॉब्लम था, पर्सनल प्रॉब्लम था। तो अभी हम चला के देखा, मेरा गाड़ी पहले जैसा था अभी ऐसा ही हमको हैंडओवर मिला है। अभी तो तक वैसे जो हैंडओवर दिया नहीं, जाके देंगे। हाँ, मतलब हम ट्रायल में आया है, ट्रायल में अभी हमको कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रहा है, पहले जैसा था ऐसे ही हमको लग रहा है। हम इनको बहुत थैंक्स दे रहा है, ही यू इज वेरी सर, मच टेक्निकली साउंड, माने आई डोंट हैव थैंक एनी अदर टू टेल, बट ही इज वेरी मच टेक्निकली साउंड, ही इज बोर्न इंजीनियर, आई थिंक लाइक दैट। ऐसा ऐसा नहीं है सर, एक्चुअल इंजीनियर प्रॉपरली तो प्रॉपरली उन्होंने कैच कर लिया क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, एंड ही डिड इट डायगोनाइज प्रॉपरली। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। और आपको आगे मैं गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका A to Z कार सर्विस की इस वीडियो में, मैं अभिजीत। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पुराना ओल्ड मॉडल सैंट्रो जिंक है। इस गाड़ी में कस्टमर का जो इशू है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा पिकअप का प्रॉब्लम है। और ऑनेस्टली से कस्टमर ने कई मतलब एक दो जगह दिखाया था, तो उनको इंजन करने के लिए ऑलरेडी एस्टिमेट दिया गया है। अब न जाने क्यों कस्टमर को लगा है, वैसे मेरे को देख के नहीं आया है, उनको लगा है कि एक बार कंपनी से दिखा लेना बेस्ट है, तो इसीलिए कस्टमर ने कंपनी पे लेके आया और मेरे पास गाड़ी आया है तो मैंने इसको चेक कर रहा था। इसमें बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ हुआ, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई भी इसमें देखेगा, मतलब मैं भी नॉर्मल हूँ, एबनॉर्मल नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी मतलब फर्स्ट टाइम देखने से लगेगा कि गाड़ी का शायद इंजन का प्रॉब्लम है। इसका कंप्रेशन जब चेक किया तो कंप्रेशन हाई था, 18 पॉइंट समथिंग कुछ हो रहा था। तो यहाँ पे मैं पहले ही कह देना चाहूँगा कि 18 पॉइंट समथिंग इसका नॉर्मल जो कंप्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि गाड़ी पुराना हुआ है। तो क्योंकि क्योंकि गाड़ी पुराना हुआ है तो पुराना गाड़ी में ये थोड़ा बहुत कार्बन डिपॉजिट होने की वजह से कंप्रेशन हाई दिखाता है। इसमें घबराने जैसे या इसके वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम होगा ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है नॉर्मली। शायद इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा होगा, जल्दी लेके आओ। इसमें जो इंजन ऑयल की कलर है ये कैमरा में कितना आएगा पता नहीं, नॉर्मल पेट्रोल ऑयल इंजन ऑयल की कलर ऐसा होता नहीं है, ये थोड़ा ब्लैकी हो गया है। जैसे आपको लगेगा कि कंप्रेशन वीक होके ये जैसा बैक कंप्रेशन कहते हैं वो बैक कंप्रेशन की तरह मतलब इंजन ऑयल में ब्लैक होके मिक्स हो रहा है। ये मेन देख के लोगों ने कस्टमर को कहा कि सर आपका इंजन करने होगा और एक्सेसिव क्योंकि कंप्रेशन हाई है। बट मैंने इसको जब चेक किया, ये कस्टमर की तरफ से डेटा था कि ये बाहर से देख के हमको बताया गया, मैंने सबको इग्नोर किया। एक चीज़ अगर कभी भी आपके पास आता है, आगे पीछे कोई कितना भी काम करे, अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। मैंने वो क्या किया, गाड़ी में स्कैनर लगाया। स्कैनर लगाने के बाद मुझे तो मतलब जितना भी सारा सेंसर है सबका, किसी का हाई इनपुट किसी का लो इनपुट, ये कोड आया। तो गाड़ी तो पहले देखिए ये 76,000 ऐसा कुछ चला है। और इसमें एक खास बात क्या है, चेक इंजन का जो लाइट है यहाँ पे कहीं पर नहीं है। देखिए इस मॉडल में एक्चुअली रहता नहीं है, तो कुछ भी अगर सेंसर वेंसर का प्रॉब्लम होगा भी तो इसमें अलग से चेक लाइट ऑन नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे रीड फोल्ड कोड क्या देखिए, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसकी लो इनपुट कोड आ रहा है। ये कोड आया मतलब सब जैसा मैंने बताया कि इस सेंसर, जब भी मैंने इस गाड़ी को पहले मेरे पास आया मैंने स्कैनर लगाया, जब फर्स्ट टाइम स्कैन किया इसमें कम से कम 6-7 कोड आया था,
जैसा देख के आपको लगेगा कि शायद मेन रिले खराब हो गया, और जितना भी ईसीडी सेंसर का भी कोड आया था, मैप सेंसर का भी कोड आया था, तो मैंने, ये होता है अगर कोई भी चेक करेगा तो हर एक सेंसर खोल के कभी क्लीन व्लीन करने के लिए ये सब होता है, तो मैंने पहले इसको इरेज किया। अब उसके बाद ये फाइनल कोड मेरे पास आया, मैं इसको आपके सामने फिर इरेज करता हूँ एक बार कोड को। अच्छा, सामने से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी मैं इसको क्लियर फॉल्ट कोड, यस क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीट। अब मैं फिर इसको वापस, ये कोड मेरा डिलीट नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम मेरा मैनिफोल्ड एक्सलरेट प्रेशर सेंसर में, या तो वायरिंग में होगा, या फिर सेंसर में होगा, या फिर ईसीएम में होगा, तीन चीज़ में सस्पेक्ट हो गया। और जब भी पिकअप का कुछ भी इशू होगा, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल का बात नहीं है, मैप जो सेंसर है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेंसर है, इसकी डेटा देखिए। तो अभी मेरा गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में इंजेक्टर ड्यूटी जो डेटा है, इंजेक्टर ड्यूटी 4.47 मिलीसेकंड, गाड़ी का एसी मैंने अभी बस ऑन किया, ठीक है, और मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसकी मैंने सिर्फ डेटा, ये दोनों डेटा को लेके समझेंगे। इस कंडीशन में देखिए मैप इंजेक्टर का जो वैल्यू है ये लगभग 5.21, जो कि बहुत ही एबनॉर्मल है। आप अगर प्लाक खोल के देखेंगे तो इसमें ये प्लाक भी आपका पूरा एकदम काला मिलेगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजेक्शन हो रहा है, हाई इंजेक्शन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ये कार्बन डिपॉजिट होगा, और जो कि अपना इंजन ऑयल में भी मिक्स होगा। और मैप मैनिफोल्ड का जो प्रेशर है, मैप का जो प्रेशर है 8.61, ये नॉर्मल दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा मैप सेंसर लगा के आपको वेरी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले प्रॉब्लम कंफर्म कीजिए। 8.68 शो कर रहा है, एक्सीलेटर कर रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा बड़ा 7 point something कुछ उसके नीचे नहीं जा रहा है। मैप की जो वैल्यू है ये, मतलब अभी एसी ऑन कंडीशन में मेरा 8.68 है, एक्सीलेटर में कर रहा हूँ ये गिर के, मतलब 7 point something उससे नीचे नहीं जा रहा है कभी भी। इसकी जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हाई है, तो क्योंकि मैप का वैल्यू हाई है तो ईसीएम के पास इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि मेरा अभी मैनिफोल्ड का प्रेशर बहुत हाई है, हमको इतना इंजेक्ट करना है फ्यूल, वो इसीलिए फ्यूल भी ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा है, और क्योंकि ज़्यादा इंजेक्ट हो रहा है कंबशन प्रॉपर नहीं होगा, जो ब्लैक स्मोक टाइप का भी होगा, इंजन ऑयल काला होगा आपको पिकअप में भी, क्योंकि जब भी कंबशन में इफेक्ट आएगा अल्टीमेटली कंबशन चेंबर अगर प्रॉपरली बिहेव नहीं करेगा, मतलब अगर कंबशन ही प्रॉपर नहीं होगा, तो तब जाके गाड़ी में इस तरह के ये पिकअप का प्रॉब्लम, ये सब होना बहुत बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों ये इसकी मैप या फिर मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, जो कि देखने में आपको बिल्कुल बूस्ट प्रेशर सेंसर की तरह लगेगा। कई बार इसमें ऑयल जाके खराब हो जाता है, उल्टा उल्टा सेंस देता है, बट इसको हमने क्लीन करके भी देखा है। जो सेंसर अभी खोल रहे हैं उसको भी मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये जो सेंसर है इसमें मैंने ऑलरेडी एक बार इसको क्लीन करके भी देखा, बट फिर भी इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं आया, तो फाइनली तब मैंने एक दूसरा सेंसर इसमें फिटिंग करके आपको डेटा दिखाता हूँ। ये जो मैनिफोल्ड है इसमें कितना एयर का प्रेशर होता है ये बस सेंस करके बताता है, इसीलिए इसका नाम है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब सेंसर हम लोगों ने चेंज कर दिया इस कंडीशन में, रीड फॉल्ट कोड, क्योंकि सेंसर खुल के लगाया तो कोड जनरेट होने की चांसेस है। मास एयर फ्लो, सॉरी मैप एब्सोल्यूट प्रेशर, मैप का कोड आ गया है, अब इसको इरेज कर देना है। क्लियर फॉल्ट कोड, यस क्लियर कंप्लीट, फिर एक बार रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड शोइंग। अब इस कंडीशन में डेटा दिखेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद देखेंगे। वैसे मैनिफोल्ड लिया मैंने और इंजेक्टर INJ डन, इंजेक्टर ड्यूटी, तो दोनों ही डेटा लिया मैंने, ओके। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए मैप का जो प्रेशर दिखा रहा है PSI में 15.14, सेम वही कंडीशन में मैप का जो डेटा है, जो वैल्यू है 4.68 PSI, और इंजेक्टर ड्यूटी जो है 2.7173 ऐसा कुछ, 2 point something, दैट इज नॉर्मल। 3.1 तक अगर आता है इंजेक्टर ड्यूटी, अच्छा मैंने एसी ऑफ करके रखा था, एसी को ऑन कर दिया, एसी ऑन कंडीशन में अभी इसकी जो वैल्यू है 4.07 और मैप की जो वैल्यू है 6.46, जो पहले 8 something कुछ आ रहा था। एक्सीलेटर करते हैं गाड़ी को,
यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब मैं एक्सेलेटर कर रहा हूँ मैप की वैल्यू हाई होकर 10 जा रहा है, बट जैसे उसके एक्सेलेटर पैडल से पैर हटा रहे तो वो वैल्यू गिर के पहले जो था 4 उससे भी थोड़ा नीचे आ रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि एक अगर स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को अगर टान के छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, इधर से जैसे जाएगा तो कुछ थोड़ा सा तो उस तरफ भी जाएगा, मतलब एक ऐसा स्प्रिंग है, अगर आप नीचे की तरफ टान के छोड़ेंगे तो ऐसे खेलेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा ऐसा होगा। वैसा मैप का वैल्यू उस टाइम, मतलब पुराना में जो ख़राब था उसमें नहीं हो रहा था, वो एक पर्टिकुलर जगह में फिक्स था, उससे नीचे नहीं आ रहा था वैल्यू। और एक बार एक्सेलेट करता हूँ, ये उठा फिर डाउन है गया 2 पॉइंट समथिंग। जितना जोर से आप एक्सेलेट करेंगे उतना ज़्यादा ये फ्लैक्चुएशन जो है, एक स्प्रिंग टाइप का है अंदर डायफ्राम में जो ऐसा ऐसा खेलता है प्रेशर की वजह से। एक बार वैक्यूम होता है तो खींच लेता है, एक बार प्रेशर बढ़ता है तो फैल जाता है। ये बोर्ड में मैं आपको थोड़ा अच्छा से समझा पाता, लेकिन ऐसे बातों से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये और एक बार एक्सेलेट किया मैंने, ये पहले हो नहीं रहा था, ये मैप का जो वैल्यू फ्लैक्चुएट हो नहीं रहा था। इंजेक्टर का ड्यूटी जो है ये 4.14 ऐसा कुछ शो कर रहा है, आँख पूरा धुंधला हो गया। अब गाड़ी को रोड टेस्ट करेंगे, लगभग प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन आपको एक बार दिखाएंगे कि स्पार्क प्लग खोलेंगे, खोल के दिखाएंगे कितना काला हुआ है। और इस केस में अगर आता है इस तरह के केस में, ऑक्सीजन सेंसर ज़रूर एक बार क्लीन कर देना बेस्ट है, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन सेंसर एकदम गंदा हो जाएगा। चलिए वर्कशॉप जाके अभी देखिए 3.90 ऐसा कुछ शो कर रहा है। ये प्लग जैसे हम क्लीन कर देंगे ना तो इसकी ये इंजेक्टर ड्यूटी और ज़्यादा कम हो जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। बस यहाँ पे अभी रखते हैं गाड़ी, वर्कशॉप लेके जाने के बाद आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सल सॉकेट लगा लेते एकदम बाहर से फटाफट होता। खोलो एक तो कम से कम खोलो पहले, गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ये प्लग जो है देखिए कितना, मतलब अरे बाप रे। ओके तो चारों प्लग बाहर है, और चारों प्लग को एक बार ऑलरेडी क्लीन करके लगाया गया था, जब प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आया था प्लग काला मिला तो इसको क्लीन करके लगाया गया था, अब वापस ये फिर से ऐसा काला हो गया। अब दोस्तों वीडियो को और इसे ज़्यादा कुछ खींचेंगे नहीं, मेनली इसमें जो प्रॉब्लम हम लोगों को मिला था मास एयर प्लस सॉरी मैप सेंसर का प्रॉब्लम था, और जो कि मैप सेंसर दूसरा लगाने से प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट इफेक्टेड कुछ पार्ट रहता है, जैसे कि स्पार्क प्लग जो ख़राब हुआ था कार्बन डिपॉजिट होने की वजह से अभी फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, और साथ साथ स्पार्क प्लग का क्लीनिंग जो है वो तो चल रहा है। अब ऑक्सीजन सेंसर जो है O2 उसको भी क्लीन कर देंगे, और बाकी इंजन को अच्छा से ट्यूनिंग कर देंगे तो इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है ये भी सही हो जाएगा। वीडियो लंबा खींचने का मकसद नहीं है, बट फिर भी एक चीज़ एंड में कहना चाहूँगा कि देखिए मेरा ये वीडियो में मैं किसी को छोटा बड़ा दिखाने के लिए वीडियो को शूट नहीं किया, मेन जिस कारण के लिए इसको शूट किया कि कई बार ऐसा होता है कि छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है गाड़ी में और हम लोग मतलब डाउट कर लेते हैं कि शायद इंजन विंजन खोलने होगा, और मैं सच बोलूँ आपको चाहे कामचोर लगे या कुछ भी लगे, मुझे इंजन खोलने से ज़्यादा तो अच्छा लगता है कि भाई पहले इसको जैसा तैसा करके इसको रिपेयर कर दो ताकि इंजन खोलना ना पड़े, नहीं तो हम लोगों का खटनी जो है बढ़ जाता है। तो ये आप चाहे कामचोर समझ सकते हैं, बट मेरा मोटिव यही रहता है कि पहले देखो कि भाई इंजन ना खोलना पड़े, और बाकी बस कुछ भी प्रॉब्लम हो कम से कम एक बार स्कैनर का यूज़ कर ले तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।